मोबाइल फोन की वजह से तुम इबादतों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, एक मोबाइल फोन की वजह से तुमने हजार लोगों को पहचाना, हजार लोगों को देखा, लेकिन दूसरी जानिब एक अकेला रब तुझसे रोजाना इग्नोर हुआ। इस मोबाइल की वजह से तेरी आखिरत खराब, इस मोबाइल की वजह से तेरा और अल्लाह का ताल्लुक खराब, और स्टिल तू इसे दिल से लगाए बैठा। तो याद रख, फिर एक दिन ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ा होगा, किसी का नाच गाना देख रहा होगा, किसी को कमेंट कर रहे होगे, किसी के जोक पे हंस रहे होगे, और ऊपर आसमान के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके होंगे। वहां से देखेगा तू अपनी आंखों से कि फरिश्ते तुझे ले जाने आ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, प्यार से बातें तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही, जिंदगियां बर्बाद हो रही है तुम लोगों की, और स्टिल हंस रहे हो। सारा दिन गुजर जाता है कुरान नहीं उठाते हो, सारा दिन गुजर जाता है एक वक्त की नमाज प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, सारा दिन गुजर जाता है ये सोच नहीं सोचते कि यार मैं अपनी आखिरत के लिए क्या करूं, मैं अपने दीन की निफास के लिए क्या करूं, और उन बेगैरतों को देखते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे हो जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह है ना तुम लोगों की इज्जत की परवाह है। उन निकम्मों को देखते रहते हो सारा दिन कि जिनको ना अपने वक्त की कदर है और ना आपके वक्त की कदर है। उन बेहया लोगों को देखते रहते हो सारी उम्र कि जिनका हलाल हराम जायज नाजायज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बर्बाद लोगों को कामयाब समझकर उनके पीछे चल रहे हो। बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं तुम लोगों को। अपनी आखिरत को बचाओ। एक दफा मर गए ना तो ये सारे मजे, ये नफ्स और हवस के सारे तमाशे और ये सारी एंजॉयमेंट आपको बहुत फीकी फीकी लगेंगी।